बैगा के घर में बच्चा नहीं है, एक कहावत है ना, बैगा के घर में बच्चा नहीं होता और पड़ोसी लोगों को बच्चा होने की हुनर बताते हैं, है ना। इनकी कहावत तो बहुत उटपुटांग है और हम सब भी लोग उस तरह की भाषा नहीं बोल सकते। बस यही हाल, बैगा वाला हाल हमारे पानी जांच करने वाले साथियों का भी है। हमारे पानी जांच करने वाले बहुत से साथी, हजारों की संख्या में ऐसे साथी है जिनके खेत में जाकर देख लो, उनके बोर में जाकर देख लो, जहां बोर ड्रिलिंग करवाएंगे वहां जाकर देख लो, धूल 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 ही उड़ती है। उनके बोर में पानी नाम की एक चीज नहीं है, एक बूंद नहीं है। जब ये लोग दूसरे के खेत में जाकर पानी की धार ढूंढ लेते हैं, एक धार ढूंढते हैं, दो धार ढूंढते हैं, न जाने कितने धार किसानों को बता देते हैं, ऐसी झांसा में डाल देंगे कि किसान वहीं पर बोर करवाएगा भले वहां पानी रहे चाहे ना रहे। ये तो हाल है। अगर ये पानी जांच करने वाले दूसरे के खेत में अगर सफल हो रहे हैं, दूसरे के खेत में अगर पानी निकाल रहे हैं, दूसरे के खेत में पानी जांच करने जा रहे हैं, तो इन्हें इतना गुण तो होना चाहिए कि अपने खेत में भी अपने खेत की प्यास को, अपनी सरजमी की प्यास को बुझा सके, इतनी तो होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है। इन पानी जांच करने वालों के खेत में आप जाकर देखिए। मैं किसान भाइयों को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप किसी को भी आँख मूंद कर पानी जांच करने के लिए अपने घर पे मत बुलाओ, अपने खेत पर मत बुलाओ। जिस व्यक्ति को भी बुला रहे हो उनके खेत में जाओ, पहले उनके घर में जाकर देखो, वस्तुस्थिति एकदम विपरीत है। उनके खेत में एक बोर भी नहीं है और उनसे जब बैठोगे चर्चा करोगे तो वो क्या बोलेगा मालूम है? भैया सॉरी भाई, मैं अपने खेत में बोर नहीं करवा सकता। क्यों? आप तो पानी जांच करते हो महोदय, फिर अपने खेत में क्यों नहीं जांच करवा रहे हो बोर? तो यही बोलेगा, मेरे खेत में अगर धूल उड़ गई तो मेरे प्राण पखेरू उड़ जाएगा। वो जब अपने खेत में बोर करवाएगा, पानी जांच करने वाले जब अपने खेत में बोर करवाएगा और पानी नहीं निकल पाई तो यही कहता है कि मेरे तो प्राण पखेरू उड़ जाएंगे, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगी, वहीं पर मर जाऊंगा। ये हमारे पानी जांच करने वाले साथी लोग बोलते हैं। अगर मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो इनके खेतों में जाकर देखो, इनके खेतों में जाकर देखो, आखिर उनके खेत में सिंचित है कि असिंचित है। वो वे असल जिंदगी में कामयाब हुए हैं कि सिर्फ पैसा लूटने के लिए किसानों के खेत में जाते हैं या तुक्का मारने के लिए किसानों के पास जाते हैं? ये पहले जाकर देख लो। तो भाई आज से ये प्रण कर लो, हम उसी व्यक्ति को पानी जांच करने के लिए बुलाएंगे जरूरत पड़ गई तो, नहीं तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, खुद जांच करेंगे। अगर जरूरत पड़ गई तो हम उसी व्यक्ति को बुलाएंगे जिन्होंने अपने खेत में खुद पानी जांच करके पानी निकाला है। सही बात है कि नहीं है? वो अपने खेत में पानी जांच कर नहीं पा रहा है, अपने खेत की प्यास नहीं बुझा रहा है और दूसरे के घर में चले हैं प्यास बुझाने, दूसरे के खेत में बोर खनन करने चले हैं। तो भाई ये जायज़ है क्या? बताओ, ये कहीं पर भी जायज़ नहीं है। इसलिए किसान भाई लोग आज से ही सतर्क हो जाओ और जिस व्यक्ति के पास भी फोन करते हो, जिसको भी बुलाते हो, पहले उनके खेत में जाओ, उसके बाद खेती बाड़ी है कि नहीं उसको भी देखो, उन्होंने अपने घर में बोर करवाए तो नहीं करवाए इसको भी देखो, अच्छे से परख लो, उसके बाद उसको बुलाना, नहीं तो फिर धोखे खाने के लिए तैयार रहो भाई। इतने बताने के बावजूद भी धोखा खाओगे भाई तो सॉरी भाई, कुछ नहीं कर सकता यार, केवल यूट्यूब में आपको वीडियो बना के दे देगा, समझा देगा कि भैया यहाँ पर आग लगी है, यहाँ पर आग की भट्टी जल रही है, वहाँ पर मत कूदो, बस इतना ही कर सकता है। कूदना ही चाहोगे, मरना चाहोगे तो कोई नहीं बचा सकता भाई, सॉरी भाई आपसे बहुत दूर बैठा है, बचाने के लिए नहीं आएगा भाई। शक्तिमान नहीं हूँ जिसमें आप आग के ढेरों में कूद रहे हो और मैं भैया हाथ पकड़ लूँ आ जा किसान भाई, ऐसा तो नहीं कर सकता भाई। आप कूदोगे तो आप ही मरोगे और आपके पीछे आपकी पूरा परिवार बर्बाद होगा। इसलिए आज से ही आप लोग सतर्क हो जाओ।
ये सौरी भाई का रिक्वेस्ट है। हम इस वीडियो को आगे और बढ़ाएंगे, पानी जांच करके दिखाएंगे, यहाँ की पत्थर स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, पानी है कि नहीं वो भी बताएंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट छोटा सा है कि मेरे इस चैनल का नाम किसान का बोर है, किसान का बोर इस चैनल का नाम है, और यूट्यूब में जाकर आप सर्च करिए किसान का बोर, हमारा चैनल निकल जाएगा। अच्छी अच्छी वीडियो आती है, वीडियो को देख लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो दूसरे सब्सक्राइबर का वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उल्टा सीधा कमेंट मत करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, और कहाँ पानी है कहाँ पत्थर है उसको भी दिखाएंगे। तो चलिए भाई, ये कच्चा नारियल है, एकदम कच्चा है, हाथ को ऐसा रखना है, देख लीजिए। और कई लोग बोलते हैं हाथ को नीचे करो सॉरी भाई, हाथ को ऊपर टांग दे, तो भाई आप हाँ नेचुरली हाथ उठा कर देखो तो ऐसे ही टंगेगा ना, ये हथेली तो वैसी ही है, लेकिन टंगेगा तो पोजीशन ऐसी हो जाएगी, तो भाई ये पोजीशन ऐसी रहेगी, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नीचे नहीं करना है, बस ये ऐसे कर देना है, ठीक। तो ये सॉरी भाई कर रहा है, ये ऐसे रख लेना है, ये उसके बाद आगे बढ़ना है। ये नारियल इस तरह से ऐसे हुई तो समझ जाना कि वहाँ पर पानी नहीं है, ड्राई एरिया आ गया, उसके बाद नारियल उधर गिर जाएगा, समझ लें बहुत ज़्यादा सूखा है। और ये इधर आ गई अपनी तरफ तो पानी है, और इधर कल्टी में आ गई दो तीन तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। तो चलिए इस खेत का मुआयना करते हैं। ये एक नारियल, इतनी भारी भरकम नारियल है और ऊपर जा रही है, सूखा है, यहाँ की पत्थर कठोर है, सूखा है, ये सबसे पहला स्टेज है। जैसे हम कदम आगे बढ़ाएं, आभास हो गया कि यहाँ पर पत्थर कैसा है, क्योंकि पानी जांच करना बड़ी चीज़ नहीं है, पानी के साथ साथ पत्थर जांच करना है। बाकी यूट्यूबर लोग बहुत से गुण आपको बताएंगे, लेकिन पत्थर जांच करने की कला किसी ने नहीं बताया है। आज हमको पत्थर हम आपको पत्थर जांच करने की गुण बता रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, जहाँ नारियल गिरी है वहाँ से। हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस बात को ख्याल रखना, कई पानी जांच करने वाले बताते हैं कि नारियल जहाँ गिर गई वहाँ भयंकर पानी बता देते हैं, लेकिन स्थिति ऐसा नहीं है, अगर बाहर जाके गिर रही है तो ना वहाँ पर पानी नहीं है, और कई जांचकार ऐसे हैं कि वहीं पर पॉइंट लगवा देते हैं, वैसा नहीं करना है। तो चलिए यहाँ और आगे बढ़ते हैं, हमारी पहले कदम से ही देखो यहाँ की पत्थर कैसी है, यहाँ की पत्थर बहुत कड़ा है, पानी नहीं है पत्थर के ऊपर में, ना पत्थर के नीचे में भी पानी नहीं है। देखो ये ऊपर जा रही है, ये ड्राई है, पूरा ड्राई है एरिया इस खेत में, जहाँ तक अभी चले हैं ये पूरा ड्राई है। देखो नारियल रख रहे हैं, बाहर जा रही है, देखो अपने तरफ नहीं आ रही है, ऑटोमेटिक बाहर जा रही है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर पानी नहीं है, नारियल बाहर जा रही है, देखो ये ऑटोमेटिक देख लो भाई, यहाँ पर पानी इस खेत में नहीं है। चलो और दिखाते हैं, पानी कहीं पर रहेगी तो अपने तरफ आएगा, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं, हाथ में वजन कर रहा है क्योंकि नारियल भारी भरकम है, बड़ा नारियल लिया हूँ। चलिए ये नारियल की स्थिति देखते रहो भाई, चर्चा तो हम करते रहेंगे लेकिन इस खेत में पानी जांच भी करेंगे। तो हाँ हम कह रहे थे बैगा के घर में बच्चा नहीं होता, लेकिन वो दूसरे के घर में बच्चा पैदा करवाने के लिए मशहूर हो जाते हैं। उसी तरह से आज हमारे कई पानी जांच करने वाले साथी हैं, सबको नहीं बोल रहा हूँ यहाँ, जो कई अच्छे लोग भी हैं, कईयों ने बहुत लोगों की लाइफ बनाया है, उसको सच सच नमन है, उसको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो ना यार लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, मैं उसी को बोलता हूँ कि भाई आप लोगों को मत ठगिए, क्योंकि आप किसानों को ठग रहे हैं, और जब किसानों को जब ठगते मैं देखता हूँ ना यार, तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैं बोल देता हूँ और लोगों को आगाह कर देता हूँ, भाई आप लोग सतर्क हो जाओ। ये नारियल बाहर जा रही है लगातार, इसका मतलब यही है कि यहाँ पानी नहीं है, इस खेत में पानी
कहीं पर भी वहाँ से आए अभी तक नहीं मिली है। देखो नारियल बाहर जा रही है, नारियल बाहर जा रही है, बिल्कुल यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं है, पूरा ड्राई है। देखो ये देखो ऑटोमेटिक जा रही है नारियल। अब पानी नहीं है तो अपने तरफ आएगी भी नहीं, पानी रहती तो अपने तरफ आ जाती, तो यहाँ पानी अभी तक नहीं है। देखो ये देखो ये बाहर जा रही है, देखो ये दो कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, बाहर जा रही है। देखो ये नारियल को देख लो, ये बाहर जा रही है। इसका मतलब यही है कि ये खेत पूरा सूखा है। हमारे किसान भाई लोग भी कहते हैं ना, हमारे खेत में यहाँ बोर कराए वहाँ बोर कराए पानी नहीं है, तो सबके खेत में पानी है ऐसा भी नहीं है। वहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, कहीं पर भी पानी हमें नहीं मिली है। और कई लोग क्या बोलेंगे, इसी को कई पानी जांच करने वालों को बुला लो आप, वो बोल देंगे कि यहाँ पर भयंकर पानी वहाँ पर भयंकर पानी, जिसके खेत में जाएंगे उसके खेत में बोल देगा कि भयंकर पानी है। लेकिन भाई सौरी भाई का अंदाज अलग है, सौरी भाई स्पष्ट बता देता है कि यहाँ पानी है पानी नहीं है, पानी है तो भाई बोल देगा नहीं है तो नहीं है, इस खेत में इतने दूर तक घूम गए पानी नहीं है, पानी नहीं है तो सौरी भाई अंदर से जाके ऊपर नहीं ला सकता भाई पानी को, तो पानी यहाँ नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए इस खेत की सीमा थोड़ी दूर और बची हुई है। देखो नारियल बाहर जा रही है, देखो देखो ये पानी नारियल की क्या पोजीशन है, देख लो बाहर जा रही है। देखो ये आप स्वरूप, अब करे तो करे क्या, पानी नहीं है तो क्या ज़बरदस्ती पॉइंट दे दे, बाकी पानी जांच करने वाले ज़बरदस्ती कहीं पर भी चूना लगा देंगे, कहीं पर गुलाल लगा देंगे, खूटी गड़ा देंगे, कहीं पर कोई राड़ गड़ा देंगे, कहीं पर नींबू कटवा देंगे, तो सॉरी भाई का वो काम नहीं है। पानी नहीं है यार तो नहीं है, किसी को डुबाना नहीं है, क्योंकि सॉरी भाई खुद किसान है तो किसी को डुबाना नहीं चाहता। थोड़ा सा और बचा ये खेत, हम उधर भी जाकर देखते हैं कि पानी है कि नहीं है, उसके बाद हम बता देंगे किसान को भैया कहीं पानी है तो पानी है, नहीं है तो नहीं है। चार कदम और बचा है, अगर इस बीच में पानी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो सॉरी भाई बोल देगा भैया पानी इस खेत में नहीं है। देखो हम इस खेत के लास्ट छोर में आ गए हैं, नारियल यहाँ भी बाहर गिर गई, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर पानी नहीं है। हम वहाँ से इस खेत को पूरा घूम लिए, इस खेत में कहीं पर भी हमें पानी नहीं मिला। तो चलिए हम नारियल को एक बार फिर पकड़ लेते हैं, ये हमारा नारियल है। तो भाई सॉरी भाई ज़बरदस्ती किसान को धोखा देने के लिए नहीं बोलेगा, वही काम हम नहीं करेंगे जो बैगा लोग करते आए हैं। खुद का तो बच्चा नहीं पैदा कर सकते और पड़ोसी के घर में बच्चा पैदा करने चलते हैं ना, वो काम नहीं करेंगे अपन। हम वो पानी जांच करने वाले नहीं हैं, वो पत्थर जांच करने वालों में हमारा नाम नहीं आता जो कहीं पर ज़बरदस्ती जाके पानी बता दे। इसीलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग उसी पानी जांच करने वाले को बुलाओ जो अपनी असल ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं, और जो असल ज़िंदगी में जीरो है और आपके खेत में हीरो बनाओगे तो नहीं बनेगा भाई, जीरो जीरो ही रहेगा। इसलिए आप सतर्क हो जाइए। मेरी वीडियो अगर किसी को बुरा लगता हो यार तो सॉरी, लेकिन सॉरी भाई सच ही बोलेगा, सॉरी भाई किसानों के हित की बात करेगा, ज़बरदस्ती का झूठ सॉरी भाई नहीं बोलेगा। तो भाई हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सॉरी भाई को इजाज़त दीजिए। सॉरी भाई का मोबाइल नंबर है 7000716599। आप लोग मुझसे रात्रि में 8 से 9 बजे के बीच फ़ोन में बात कर सकते हैं, कुछ सलाह या सुझाव चाहिए तो बिल्कुल ले सकते हैं। हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए